कि शैतान तो इंसान का दुश्मन है ही, ये फरमाइए कि इंसान शैतान के साथ किस तरह दुश्मनी कर सकता है? बड़ी सादा सी बात है, अल्लाह की तरफ से हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमारे पास अल्लाह के होने की दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद की दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखरत के नेकोबद की दलील, यानी सारे इस फलसफे की जो बुनियादी दलील हमारे पास ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। अब शैतान इस सारे फलसफे के खिलाफ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आप शैतान की बात सुनेंगे तो इस फलसफे की मुखालफत करेंगे, और अगर आप हुजूर के दिए हुए लाहे अमल और निसाब हयात को और तर्ज हयात को, अकीदे ईमान और अमल को अपना लेंगे तो शैतान तो द्वार पीटेगा, वो उसे तो तकलीफ बिल्कुल होगी सही कि ये बंदा मेरे कब्जे से निकल गया। तो शैतान की दुश्मनी ये है कि मोहम्मद रसूल की अताअत की।